इधर देश में आज 3 राज्यों में मतदान हो रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के सभी 288 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जहां 6 बड़ी पार्टियां और 2 गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीधी टक्कर है। वहीं झारखंड में भी दूसरे फेज में 38 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दूसरे चरण में 528 उम्मीदवार मैदान में है। इधर उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 में से 8 सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो आज देश के 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग है और वहीं महाराष्ट्र में पहले चरण की वोटिंग है, जहां पर 288 सीटों में वोटिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और ये सृष्टि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की साख दांव पे लगी है, क्योंकि जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहां पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी हो गई, तो ये बहुत हल्के में चुनाव को नहीं लिया जा सकता। और ये जो आप बता रही हैं महाराष्ट्र में, यहाँ सभी 288 यानी ये पहला राज्य है जहाँ पे 200 के ऊपर सीटें हैं और एक फेज में इलेक्शन हो रहा है, वरना उत्तर प्रदेश में तो 7 फेज में होता है। और ये तीसरी जो खबर आप बता रही हैं, यहाँ पर 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसके पहले 41 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। और 38 में कई बड़े चेहरे जैसे कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, इन सारे लोगों की किस्मत यहां पर दांव पर लगी हुई है। इसमें राजधानी भी है, रांची भी, वहां भी चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा राहुल आप बता रहे हैं, आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या महायुति या फिर जो महाअघाड़ी है इसके बीच में संघर्ष कौन जीतेगा, इसको लेकर के झारखंड में सेकेंड फेज में जो दांव खेला था पूर्व सीएम ने, क्या वो काम आया या बीजेपी के मेहनत रंग लाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश ये 8 सीटें बड़ी दिलचस्प हो पड़ी हैं। बुरके में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सृष्टि, ये दरअसल इसलिए क्योंकि आज सबसे बड़ा संग्राम बुरके पर ही है। अखिलेश यादव ने बाकायदा पत्र लिखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सुबह से कर चुके हैं, 2 बार 3 बार 4 बार आप बाहर निकले क्योंकि ये शिकायतें हैं कि लोग बुरके खुलवाकर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। और इस पर आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आदेश निकालते हुए ये भी कहा है कि साहब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अंदर जाकर आपको आईडी कार्ड दिखा करके वोटिंग करनी है पहचान करने के बाद। तो एक तरह से आज बुरके में जो महिलाएं पहुंच रही हैं उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज के फेज को बड़ा दिलचस्प बना रहा है। यूपी की जो 9 सीटें हैं या 8 सीटें हैं उनके ऊपर प्रत्याशियों को लेकर जो भी माहौल हो, लेकिन आज इस बात को लेकर माहौल गरमाया है कि क्या पुलिस को अधिकार है रोक करके पूछने का। आरोप तो ये भी कि भीतर जाने से रोका जा रहा है। और ये देखिए कुछ बीआईपी हैं जो वोटिंग करने पहुंचे हैं, अजीत पवार हैं, इसके पहले शरद पवार को आपने देखा, और सितारे भी आज जमीन पर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये सुप्रिया सुले अब अभी बहुत विवादों में चल रही हैं, राजकुमार राव, अक्षय कुमार ने भी मतदान किया, फरहान अख्तर, फिल्म स्टार, जाहिर सी बात है सभी को मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए।